हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे मोस्ट फेवरेट मेकअप ब्लशेस, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इनको मैं डेली यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे ब्लश लगाना होता है तो मैं यूज़ करती हूँ। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, कॉमेंट करके बताना मुझे ठीक है, और शेयर भी कर सकते हो आप इस वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रशेस भी इंक्लूड किए हैं जिनको कि मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, ठीक है। तो मोस्टली मैं इन्हें जो भी मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं इनको मैं ब्रश से ही लगाना पसंद करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर भी है और काफ़ी अफोर्डेबल ब्रांड है, विच इज़ दिस वन। दिस इज़ स्विस ब्यूटी प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट, और इसमें जो है 8 ब्लश एंड हाईलाइट पाउडर इन पैलेट होता है, और ये है मेरे पास 02 में। यहाँ पर स्टिकर लगा है और इस तरीके से होता है ये अंदर से, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट से ओपन करके दिखा देती हूँ। इसका जो डिटेल है ये है 15 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ 399 रुपीज़ में, और इस पर आपको इजीली डिस्काउंट मिलता है कि 350-300 में आपको आराम से मिल जाता है। तो ये है इसका आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग, और अंदर से इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, और मैं इसकी पैकेजिंग के पीछे बहुत ही ज़्यादा फिदा हूँ, मीन्स मैं लट्टू हूँ इनकी पैकेजिंग के पीछे। सो आप देख सकते हो कितनी हाई एंड पैकेजिंग है यार, इतना अच्छा लगता है ना इसको हाथ में लेके। सो ये देखो आप, अंदर ये कुछ 8 जो हैं आपके पास ये प्रोडक्ट्स के पैन्स हैं, और यहाँ पे इसका ये फुल साइज़ मिरर मिलता है आपको। सी दैट, दिस इज़ द मिरर, सो प्रिटी। और आप मतलब ये प्रोडक्ट्स ख़त्म हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। मिरर इसका इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ इसके शेड्स कौन कौन से हैं। तो ये हर एक स्किन टोन के हिसाब से इसमें शेड है, आप इससे पूरा फुल फेस ऑफ मेकअप भी कर सकते हो। मीन्स ऑब्वियसली बेस वगैरह तो नहीं लगा सकते, बट आई शेडो, ब्लश, हाईलाइटर सबका काम करेगा ये। तो ये 3 शेड हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ। और गाइज, इसके बाकी के 3 शेड्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल मतलब सुपर डुपर पिगमेंटेड हैं, बस टच करते ही हाथ पे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द शेड। अब इसमें है 2 हाइलाइटिंग शेड, तो ये फिंगर मेरी जो है इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 2 शेड्स हैं इसमें हाइलाइटिंग के। ये है कूल टोन का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब डे टाइम में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये थोड़ा सा इसमें जो है ना गोल्डन है, तो ये मतलब सिल्वर टाइप का है, ये गोल्डन टाइप का है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला जो मुझे बहुत पसंद है। सो दिस इज़ द स्वॉच, ये देखो आप कितना खूबसूरत है ये, और बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है, केकी नहीं है, चौकी नहीं है। एंड दूसरा जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक है। तो ये देखो आप, ये पिंक में है, और ये जो है ये लाइट में है, और ये ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगा सकते हो आप, बहुत सुंदर लगता है, ठीक से आ जाए बस ये। तो ये तो हो गया स्विस ब्यूटी के पैलेट की बात। अब मेरे पास जो दूसरा फेवरेट ब्लश है वो है ये जैकलिन यूएसए का परफेक्ट ग्लो पाउडर ब्लश, और आई थिंक ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरा दूसरा ब्लश था जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, और इसके ऊपर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग मेरे पास अभी नहीं है। तो कुछ तो ये 400-500 की रेंज में है गाइज, और इसमें जो मेरे पास शेड है वो है बेज फॉर डे 01, 5 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ आता है ये, और इसमें आपको 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ मिल जाती है। तो ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, ये कोरल सा कलर है, और ये फेयर स्किन टोन के ऊपर तो बहुत ही सुंदर लगता है। सो दिस इज़ द शेड, बहुत ही प्रिटी सा है, और काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, ठीक है। सो ये हो गया मेरा दूसरा मोस्ट फेवरेट ब्लश। तीसरा जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये हमेशा मेरे हैंडबैग में भी होता है क्योंकि इसकी पैकेजिंग देख सकते हो आप, इतनी हैंडी है ना, और इसके साथ कोई भी ब्रश कैरी नहीं करना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी इस पर ये पफ दे दिया हुआ है। तो गाइस कुछ नहीं करना होता इसमें, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना होता है, और ना एक बार बस ऐसे चिपका के ड्रैग कर दो, ठीक है, ड्रैग कर दो। ये इतनी खूबसूरती के साथ मतलब आपको एक शिमरी ब्लश का लुक देता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है लैक्मे का फेस शियर, एंड इसमें जो मेरा डेजर्ट रोज़ है मेरा शेड, ठीक है, और इसमें आराम से आपको 3 इयर्स की सेल्फ लाइफ मिलती है 4 ग्राम्स प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ। ये मैंने आउटलेट से परचेज़ किया था और मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ये। जो यहाँ पे मेरे पास सेकेंड लास्ट है
वो अभी न्यू है, मतलब जो मेरे टॉप टू हैं वो अभी नए आए हैं मेरे ब्लश के कलेक्शन में, तो ये मैंने आपको दिखाया था। सो ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, लैक्मे एब्सोल्यूट की इल्यूमिनेटिंग शिमर ब्रिक, और इसका जो प्राइस है 725 है, और 10 ग्राम आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलता है। एंड ये अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है, नायका फेमिना ब्यूटी अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है। इस तरीके की शीट, जो ये प्रोटेक्शन शील्ड होती है वो लगी होती है इसमें। एंड सी बहुत ही सुंदर से कलर्स हैं इसमें, तो सारा मिक्स करके लगा सकते हो आप, अलग अलग भी लगा सकते हो। एक दिन मैंने ये लेके कॉन्ट्यूर करने का ट्राई किया था तो मेकअप लुक बहुत अच्छा आया था। ठीक है, तो ये मल्टीपर्पज़ है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देन है मेरे पास यहाँ पे ये फेसेस कनाडा का, जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। एंड दिस इज़ द ब्लश, यू कैन सी दैट, ये मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये शेड, बेबी पिंक कलर है, एवरी डे के लिए बहुत ही अच्छा है। देन मैं कुछ लिपस्टिक्स भी हैं जिनको एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ, बहुत सारी हैं, पर जो मुझे मेरी मोस्ट फेवरेट है ब्लश के लिए वो है लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मैट मूस लिप एंड चीक कलर, और इसमें जो शेड है ये है प्लम फेदर गाइज, और ये सीरियसली ब्लश के एज अ ब्लश बहुत प्यारा काम करता है। मैं कैसे बताऊँ आपको, दिखाती हूँ एक बार, ट्राई करके देखती हूँ। ये बहुत ही प्रिटी सा पिंक कलर है और मेरे स्किन टोन पे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ एज अ ब्लश। इसको बस अच्छे से ब्लेंड करना है, अच्छे से, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करना होता है, और उसके बाद इतना इतना सुंदर सा कलर देता है ना ये चीक्स को। ठीक है, तो ये हो गया। एंड जो सबसे लास्ट है वो है ये नायका की वंडर पफ कुशन लिपस्टिक, ये मुझे फ्री मिली थी कुछ 1200 के परचेज पे, और शेड है शेक इट ऑफ, और ये शेड मतलब एज अ ब्लश बहुत अच्छा काम करता है। जैसे अगर मैंने इसको लिप्स पे लगाया, देख सकते हो आप ये कितना शीयर सा इसका कवरेज है, तो ये लिप्स पे लगा लो, चीक्स पे लगा लो, आई शेडो लगा लो, बहुत सुंदर लगता है ये लगने के बाद। तो ये तो थे मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स। नाउ ये 3 ब्रशेस मैं यूज़ करती हूँ, ये मुझे रिसेंटली अभी मिला है फेसेस कनाडा के गिफ्ट कॉम्बो में। देन ये वेट एंड वाइल्ड का रोज़ ब्लश है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये मेरा सबसे पहला ब्लश ब्रश है जिसलिए मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ अगेन फ्रॉम जैकलिन USA। तो जैकलिन USA ब्रांड के बारे में मुझे सिर्फ इनके ब्रशेस की वजह से पता चला था, उसके बाद मैंने इनके कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई किए, काफ़ी अच्छे हैं और थोड़े अफोर्डेबल भी हैं, मतलब 1000 रुपीज़ से अंडर में इनके सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो अच्छे हैं। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत गाइज लाइक करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार हमेशा ऐसे प्यार बनाए रखना। लव यू, बाय बाय।